Assalamu alaikum, my dear students of class 9th. Hope you will be fine. Dear students, today our topic is political executive from the chapter working institutions. Dear students, do you remember the story of the office memorandum? क्या आपको पता है चैप्टर के स्टार्ट में या चैप्टर के शुरू में ही हमने पढ़ा था ऑफिस मेमोरेंडम. August 13, 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला था. इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम, यानी ऑफिस मेमोरेंडम जो ऑर्डर 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था वो ऑर्डर, उसका नाम था ऑफिस मेमोरेंडम. उसमें क्या था, इस मतलब उस ऑर्डर को साइन किया था जॉइंट सेक्रेटरी ने, लेकिन और इस एक तो साइन किया था जॉइंट सेक्रेटरी ने, इस ऑर्डर में क्या था, जो रिजर्वेशन 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट्स एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर सर्वड फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए रिजर्वेशन थी इस ऑर्डर में, इस मेमोरेंडम में. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने देखा उसमें साइन किया था जॉइंट सेक्रेटरी ने, द पर्सन हु साइन्ड द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन, उसने डिसीजन नहीं लिया था. साइन तो उसने किया था लेकिन डिसीजन उसका नहीं था. ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिव द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाई समवन एल्स, उसने वही फॉलो किया पॉलिसी डिसीजन वही जो किसी और, मतलब किसी और इंसान ने या किसी और ने वो डिसीजन लिया था उसको ही उसने एग्जीक्यूट किया था. डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा, मतलब प्राइम मिनिस्टर, द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन. अगर हम ये भी देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ने वो डिसीजन लिया था, बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन द डिसीजन, यानी उसने भी डिसीजन नहीं लिया था. इफ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा, यानी प्राइम मिनिस्टर भी वो डिसीजन नहीं ले सकता जब तक ना प्राइम मिनिस्टर को भी, मतलब पावरफुल अथॉरिटी को भी लोकसभा से सपोर्ट न मिले. इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट. इसमें हमने ये जाना ये कि वो भी मतलब एग्जीक्यूट करता है यानी अप्लाई करता है पॉलिसीज या जो विशेज होते हैं पार्लियामेंट के, वही विशेज ये एग्जीक्यूट करता है. डियर स्टूडेंट्स, दस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme powers. अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट के लेवल्स में जो functionaries होती है, यानी ऑफिशियल जो होते हैं, a person who has to perform official duties or functions, ऑफिशियल जो होते हैं, ये भी मतलब who take day-to-day decisions but not exercise supreme power ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, जैसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो तो सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ये लोग फंक्शनरीज जो होते हैं ये लोग तो एक्सरसाइज सुप्रीम पावर नहीं करते हैं. वाई ऑल दोस और कलेक्टिवली, यानी क्यों नहीं ये करते हैं, इनके पास क्यों सुप्रीम पावर्स नहीं होते हैं लोगों के बदले में, ये क्यों नहीं डिसीजन ले सकते हैं. यानी सारे के सारे अगर हम देखेंगे इस एग्जीक्यूटिव में जो फंक्शनरीज होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं और कलेक्टिवली, यानी सारे के सारे इसमें आते हैं और कलेक्टिवली नून एज द एग्जीक्यूटिव, यानी सारे के सारे एक साथ जमा होते हैं फिर ये एग्जीक्यूट करते हैं, फिर ये मतलब इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन, ये चार्ज में होते हैं एग्जीक्यूशन के चार्ज में, वन हु एग्जीक्यूट्स, चार्ज में इनके होता है ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी इनको लागू करना होता है जो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट, इनके पास पावर्स होते हैं यानी ये तो एग्जीक्यूट करते हैं. Thus, when we talk about the government,
अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव, तो हमें एग्जीक्यूटिव के बारे में जरूरी पढ़ना है, यानी वो यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट। अगर डियर स्टूडेंट्स अगर आपको पता होगा थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, एग्जीक्यूटिव इनफोर्सेस द लॉज एंड द जुडिशियरी टेक्स डिसीजंस। यानी इनफोर्स जो लॉज करता है वो है एग्जीक्यूटिव। डियर स्टूडेंट्स और एक मीनिंग में देना चाहूंगी एग्जीक्यूटिव पर, ए बॉडी ऑफ पर्सनस हैविंग अथॉरिटी टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज, मेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री। यानी पर्सनस ए बॉडी ऑफ हैविंग अथॉरिटी टू इनिशिएट टू बिगिन, या कोई भी चीज शुरू कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। टू मेजर पॉलिसीज मेक डिसीजंस, यानी पॉलिसीज भी बड़ी बड़ी लागू कर सकते हैं, डिसीजंस भी ले सकते हैं। एंड इम्प्लीमेंट देम, और उन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री, यानी लॉज ऑफ द कंट्री के बेसिस पर और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर। ये तो हुआ एग्जीक्यूशन। अगर हम वहां पर ही हमारा एक और पॉइंट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? ए सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट हैव द पावर टू मेक, इंटरप्रेट एंड इंप्लीमेंट लॉज सो एज टू इंश्योर एन ऑर्डरली लाइफ। यानी इसमें क्या आता है? सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस that have the power to make, interpret and implement laws so as to ensure an orderly life. Orderly life के हिसाब से ये laws बना सकती है, power इस्तेमाल कर सकती है, implement कर सकती है, ताकि अच्छे से orderly life बन जाए citizens की। dear students, it is all for today. thank you very much.